और अभी रात का 1 बजा है और मैं हूँ इस्लामाबाद के F8 मरकज़ में। ये जी इनके मुर्गे शुर्गे इन्होंने यहाँ पे बंद किए हुए हैं, फुल मज़े वाले देसी मुर्गे। तो अभी इनकी कढ़ाई खाते हैं बनवा कर। अच्छा, यहाँ पर सारा इनका गोश्त की कटिंग वाला सीन है। ये अभी भाई जान ने जिंजर इसके ऊपर ऐड कर दिया है और कुछ ग्रीन चिल्लीज ऐड की हैं। यार फुल जो है ना, बहुत ही कोई हार्ड सीन्स हैं यार, क्या मैं बताऊँ। ओए इधर भी सिटिंग एरिया है इनका, ये मतलब इस साइड पे भी बैठ सकते हैं। साथ तंदूर भी है इनका, ये सारा तंदूर का एरिया इसके साथ। और अभी इसमें क्या क्या चीज़ें और मज़ीद ऐड करेंगे आप? इसमें दही के अंदर मलाई डाली हुई है। माशाल्लाह, ये जी दही है और इसके अंदर इन्होंने मलाई डाली हुई है, क्या बात है यार। ओए कमाल हो गया, कमाल। ये क्या भाई जान, बटर है या चीज़ है? ये जी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई और इन्होंने ये बटर ऐड कर दिया है, क्या बात है यार, माशाल्लाह वंडरफुल। ये जी फूड हमारा माशाल्लाह आ गया यार, क्या ज़बरदस्त लुक दी है इन्होंने फूड को। और ये साथ में इन्होंने रोटियाँ लगवाई हैं, जो पनीरी रोटियाँ हैं। हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी रात का 1 बजा है और मैं हूँ इस्लामाबाद के F8 मरकज़ में, बट कढ़ाही टिक्का वालों के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं शॉप के। तो ये इनका जो है ना, ये लक्ष्मी चौक वाले पुराने हैं, असली लक्ष्मी चौक वाले ये कहते हैं ऐसे ही भाईजान। जी जी वैसे। अच्छा बिल्कुल ना, ये सामने भी बट कढ़ाई है। तो ये जो है, ये जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल जो है मतलब पुराने वाले हैं। तो अभी हम इनके साथ जो है ना, वो फूड अपना ट्राई भी करेंगे। और ये भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या क्या स्पेशल आइटम्स हैं आपके पास? सर हमारे पास देसी स्पेशल है, मटन सारा देसी खाना, ये वो देसी ज़्यादा चलते हैं। ठीक हो गया। तो क्या डिफरेंस क्या है आपका मेन इनमें और मतलब दोनों शॉप्स में? उसमें हाँ, ये है कि हमारा ब्रांच जो है ना, ये पुराना है, इस्लामाबाद में पहले ब्रांच हमारा है। सही है, आप मतलब पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये लक्ष्मी चौक वाले हैं? जी जी लक्ष्मी चौक वाले। ठीक है। जो सामने ब्रांच है, ये पहले शनिवार थे, इसने बोर्ड चेंज किया, अब करे बट कढ़ाई हो गया। हमारा पुराने जो भी नेट में चेक करते हैं हमारा। अच्छा भाई, अच्छा भाई कह रहे हैं कि ये इनकी काफ़ी मतलब सालों से यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे पहले मतलब यही यहाँ पर मौजूद हैं और रियल भी यही है। तो जब आप आएँ, कोशिश भी करें कि आप इन्हीं से ट्राई करें। अभी मैं अंदर जाता हूँ तो कुछ इनसे अभी फूड ट्राई भी करते हैं इनका। मैं आपको इनकी लाइव मेकिंग भी दिखाता हूँ, सारी लाइव मेकिंग है इनकी उधर उस साइड पर, मैं उधर भी लेके जाता हूँ आपको। तो आज मेरे साथ टेस्ट भी करते हैं और फुल रिव्यू भी मैं आपको इनका देता हूँ। कम ऑन, ये जी इनका सारा यहाँ पे लाइव किचन भी है और इस साइड पे इन्होंने मुर्गे भी रखे हैं। तो लाइव मुर्गा जो है वो भी ज़िबा करके तो फिर आपको दिखाते भी हैं खाना, जो भी आपने इनसे फूड करवाना है। ये जी इनके मुर्गे शुर्गे इन्होंने यहाँ पे बंद किए हुए हैं, फुल मज़े वाले देसी मुर्गे। तो मुर्गे काफ़ी बेचारे परेशान हालत में लग रहे हैं। तो अभी इनकी कढ़ाई खाते हैं बनवा कर, और कढ़ाई खाते हैं जो भी है मेन्यू में, अभी देखता हूँ और करवाते हैं जी फिर इनका भी सीन। खाते हैं भाई आपको अभी। तो ये इनका लाइव किचन है इधर, मैं आपको इधर भी लेकर चलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, ये है जी इनका सारा लाइव किचन और यहाँ पे इनकी सारी लाइव मेकिंग होती है फूड की। और अभी भाई को हम ऑर्डर देंगे अपने किसी जो भी हमने डिश खानी है, तो भाई से फिर तैयार करवाते हैं यहाँ पे। क्या क्या बना रहे हैं भाई अभी? ये मटन और देसी मिक्स है और ये मटन। अच्छा, नाइस, मटन और देसी मिक्स और एक मटन अभी जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो देते हैं अभी इनको ऑर्डर अंदर चलकर। अच्छा, यहाँ पर सारा इनका गोश्त की कटिंग वाला सीन है और फ्रेश मीट जो है यहाँ पर, मटन है जो भी है यहाँ पर कट करते हैं और आप इनसे फिर जो है ना वो बनवा लें जो आपका दिल चाहता है। ये जी हमने भाई को ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाइयाँ, ऑर्डर की हैं दो। तो अभी भाई चिकन कढ़ाई हमारी बना रहे हैं। भाई जान अभी इसके अंदर क्या क्या आपने डाला है, ये क्या करेंगे इसको? इसको तैयार करेंगे, ऑयल डालेंगे और सबज मिर्च अदरक, उसके बाद इसको फ्राई करके, फ्राई करने के बाद दही डाल के काली मिर्च और हल्का सा गरम मसाला तैयार। ये चीज़ें भाई कह रहे हैं कि अभी डलेंगी, गरम मसाला
और बुनाई करेंगे इसकी, और जो इसके बाकी इंग्रीडियंट्स हैं वो ऐड होंगे। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं जी ये। और ये कौन सी है? ये हाफ जान पड़ी हुई है। ठीक है, ये अभी भाई जान ने जिंजर इसके ऊपर ऐड कर दिया है और कुछ ग्रीन चिल्लीज ऐड की हैं। माशाल्लाह बड़ा लुक दे रहा है। ये कौन सी मिर्च है? ये बेर मिर्च है। बेर मिर्च है जी, इन्होंने बेर मिर्च भी ऐड कर दी है ऊपर। वाह, कुछ थोड़ा सा इन्होंने बाकी ऑयल वगैरह डाल लिया जी अंदर। ये साथ इनका सारा गोश्त की कटाई वगैरह वाला सीन है। इधर सारा गोश्त वगैरह कट करते हैं ये। इधर भी सिटिंग एरिया है इनका, ये मतलब इस साइड पे भी बैठ सकते हैं। साथ तंदूर भी है इनका, ये सारा तंदूर का एरिया है इसके साथ। ठीक है, और एक सिटिंग एरिया इनका ये है इधर, और उसके अलावा इनका एक आउटडोर के अंदर सिटिंग एरिया ये है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो मर्ज़ी, आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं और आप इनडोर भी जो है वो भी बैठ सकते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह इतना कोई मज़ेदार सीन लग रहा ना यहाँ पर ये देखने में। कढ़ाई रेडी हो रही है जी हमारी, चिकन कढ़ाई, बट चिकन कढ़ाई पुराने वाले हैं, ओरिजिनल वाले हैं ये। तो आपने इनके पास ही आना है, किसी दो नंबर बंदे के पास नहीं जाना। क्या बात है, ओए होए होए होए, बहुत हैवी यार, फुल जो है ना बहुत ही कोई हार्ड सीन्स हैं यार, क्या मैं बताऊँ। ओए होए होए होए, इसको भाईजन तकरीबन और कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट और लगेगा। 10 मिनट अभी वो लगे। और अभी इसमें क्या क्या चीज़ें और मज़ीद ऐड करेंगे आप? इसमें दही, दही के अंदर मलाई डाली हुई है वो है। माशाल्लाह, ये जी दही है और इसके अंदर इन्होंने मलाई डाली हुई है, क्या बात है यार। ओए होए होए, कमाल हो गया, कमाल। बहुत ही कोई हार्ड सीन है। अब इसके अंदर भी कुछ और भी ऐड करेंगे आप? इसमें जी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे भाईजान। ये इन्होंने ब्लैक पेपर ऐड की है और उसके साथ गरम मसाला ऐड किया है, और इसके ऊपर आ गया धनिया। बस इसमें अब और फर्दर कुछ ऐड नहीं होगा? नहीं, अभी खुश करेंगे जी। अभी इसको फर्दर इसमें कह रहे हैं कि कुछ ऐड नहीं होगा, अभी इसको ही खुश करेंगे और भुनाई करेंगे ना, मतलब इसके अच्छे तरीके के साथ कोई 8-10 मिनट, ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से बन जाए, कच्चा ना रहे, और मसाले वगैरह भी सारे जो हैं वो मिक्स हो जाएं। ये क्या भाई जान, बटर है या चीज़ है? बटर। ये जी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई और इन्होंने ये बटर ऐड कर दिया है, क्या बात है यार, माशाल्लाह वंडरफुल लेवल। ये जी बटर तो फुली जो है ना इसमें मेल्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे चम्मच इसमें चल रहा है बटर मेल्ट हो रहा है। पहले इन्होंने जो दही भी इसमें डाला है उसके अंदर भी मलाई थी, और एक मसाले इनके आपको पता है सीक्रेट रेसिपी है, और उसके बाद बटर का टेस्ट, तो बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं कितना वंडरफुल। मतलब मुझे इसमें यहाँ पे खड़े होकर इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही ना, तो अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा तो फिर मैं बताता हूँ ये वाकई मतलब मज़ेदार है, क्या सीन है। ये जी अभी इसको दो हिस्सों के अंदर जो है वो कर रहे हैं शिफ्ट, इसमें अभी गार्निश वगैरह इस पर होगी, और देखते हैं जी किस चीज़ की गार्निश करते हैं, क्या इसकी लुक आती है फाइनल। माशाल्लाह कमाल है। ये जी भाईजान ने इसके ऊपर गार्निश भी कर दी है, इसमें जिंजर है और धनिया है, क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये इनका सारा तंदूर का सेटअप है, और ये तंदूर है, रोटियां, नान, खमीरी रोटियां, जो कुछ भी है आपको यहां से मिलेगा। और अभी हमने इनके साथ नान भी लगवाए हैं, रोटी भी लगवाई है, तो नान जो हैं हमारे वो भी इधर रेडी हो रहे हैं, अगर आपको दिखाई दें तो वो अंदर नान लगे हुए हैं हमारे। ये कौन सा नान लगा हुआ है भाई अंदर? सादा नान सर। हाँ, बड़ा माशाल्लाह वंडरफुल लग रहा है, क्या बात है। नान इनका देखते हैं ज़रा क्या लुक है। ये सादा रोटी और खमीरी रोटी अभी गई है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, अंदर नान लगा हुआ है, ये देखें। ओए होए होए होए, कमाल। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, अंदर नान लगा हुआ है, क्या बात है, माशाल्लाह। वे, ये तो किसी और ही तरह का नान है, क्या बात है।
ये भाई हैं जी इनके, जो यहाँ पर नान वगैरह रोटी वगैरह लगाते हैं। अच्छा पहले मैं इनका ये नान देख रहा था, मैं मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा नान है, ये सिंपल नान नहीं है, हमारा नहीं है ये। ये है जी इनका शक्कर वाला नान, ये शक्कर इसके अंदर डाल कर ना इसके आटे में, और अंदर शक्कर ऐड की हुई है, ये शक्कर ही गर्म होकर ऊपर आई हुई है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी देखने में। तो ये हैं जी इनकी खमीरी रोटियाँ, और बाकी नान वगैरह अंदर लगे हुए हैं तंदूर के। अभी अंदर चलते हैं और जो है बाकी फूड इनका अंदर बैठ कर ही ट्राई करते हैं। ये जी फूड हमारा माशाल्लाह आ गया यार, क्या ज़बरदस्त लुक दी है इन्होंने फूड को, और ये साथ में इन्होंने रोटियाँ लगवाई हैं जो खमीरी रोटियाँ हैं, तो ये इसकी लुक का फाइनल। ये है जी इनकी गर्मा गर्म खमीरी रोटी जो हमने साथ करवाई है। अभी कढ़ाई को चेक करते हैं, लुक तो नो डाउट के बहुत ज़्यादा ही ऑसम है ये इसकी। थोड़ा क्रीम भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, मुँह जलेगा मेरे में लग रहा है। ये इसकी बाइट है, भाई साहब टेस्ट है नो डाउट, बहुत परफेक्ट टेस्ट है इनका माशाल्लाह। जिस तरह की इसकी लुक है ना, उससे मैं ये कहूँगा कि बढ़कर इसका टेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑसम है, कमाल। जिंजर का, ग्रीन चिल्ली का, क्रीम का, बहुत ऑसम टेस्ट आ रहा है, लव इट। आज हम आए जी बट कढ़ाई पे, जो कि मौजूद है F8 मरकज़ में, ठीक है। तो ये बट कढ़ाई वालों की हमने जो चिकन कढ़ाई है ये लगवाई है, तो इसको हम रोटी के साथ टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसी है, तो आपको फिर हम बताते हैं। बड़ी यार मज़े की लुक आ रही है इसकी, हुए हुए हुए, फुल टेंडर यार बोटी है इनकी, चेक करो, हुए 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 हुए। तो इसको अब हम टेस्ट करते हैं, यमी से इसकी हमने एक बाइट बना ली है, चेक करें दो वहीं उठ रहे हैं। भाई कमाल टेस्ट है यार, लेवल, फुली टेंडर चिकन है, लाइट टेस्ट है और ना ज़्यादा स्पाइसी है, काली मिर्च का इन्होंने इस्तेमाल किया बीच में, ठीक है, मज़े का टेस्ट है यार। वन मोर, मज़े का टेस्ट है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय सर।